बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40। इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जर्नल डिस्क्लोजर। ठीक है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए दो मॉडल्स थे, एक तो कॉस्ट मॉडल है हमारे पास और दूसरा फेयर वैल्यू मॉडल मौजूद है। लेकिन चाहे हम लोग कॉस्ट मॉडल पे हों चाहे फेयर वैल्यू मॉडल पर हों, ये जर्नल डिस्क्लोजर हैं जो हर हाल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज एज एलिमेंट हम लोगों ने नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जाके लिखने होती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे IAS 16 के अंदर आप लोग फिक्स एसेट स्केड्यूल बनाते हैं, उसके नीचे उसके बारे में आप बताते हैं कि इसके ऊपर मॉडल कौन सा अप्लाई हो रहा है, डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा अप्लाई हो रहा है, इसकी यूजफुल लाइफ क्या है, अगर रीवैल्यू हुआ है तो किसने किया, कब किया, और अगर रिवैल्यू ना होता तो कॉस्ट पर इसकी WDV हमारे पास क्या आती, इस किस्म की सारी रिक्वायरमेंट जैसे आप लोगों ने IAS 16 में पढ़ेंगी, IAS 40 की रिक्वायरमेंट भी उससे मिलती जुलती ही है। वो भी नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, लेकिन PPE के लिए हम एक डिफरेंट नोट लिख दिया करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए नोट का नंबर चेंज हो जाएगा और उसमें जो कुछ हम लोगों ने डिस्क्लोज करना है उसमें सबसे पहली बात हमारे पास आती है कि आप मॉडल कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, whether it applies the fair value model or the cost model। आपने ये बताना है कि आप investment property के ऊपर कौन सा model apply करते हैं। फिर when classification is difficult, the criteria it uses to distinguish investment property from owner's occupied property or inventory। अब देखिए हम लोगों ने ना यूजेज के मुताबिक जाके देखना होता है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, कौन सी ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और कौन सी हमारे पास इन्वेंट्री है। लेकिन अगर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर पर्पस डिफाइंड ना हो तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसको क्लासिफाई करना होता है, और कहता है कि अगर कभी ऐसा हो कि आपके लिए क्लासिफाई करना मुश्किल हो रहा हो और आप जो भी उसकी क्लासिफिकेशन करें उसकी रीजन हमें बताएं कि अगर आपने इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाया तो इसकी रीजन क्या थी, आपने इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्यों रखा, या आप लोगों ने इसको इन्वेंट्री या ऑनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में किस तरह से लेकर आए, आपने रीजन बतानी होगी। उसके बाद आता है द एक्सटेंट टू विच द फेयर वैल्यू एज मेजर्ड और डिस्क्लोज्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन अ वैल्यूएशन बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर हु होल्ड्स अ रिकॉग्नाइज्ड and relevant professional qualification and has a recent experience in the location and category of the investment property being valued. If there has been no such valuation, that fact shall be disclosed. अब valuation की बात कर रहे हैं कि अगर आप अपनी fair value model पे जाते हैं, assets को revalue करवाते हैं, fair value लेकर आते हैं, तो आप बताएंगे कि ये किसने की और उसकी अपनी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह क्या क्या था। आपने उस वैल्यूअर के बारे में तमाम डिटेल्स लिखनी है जिसने वैल्यूएशन की है, आपने उसके बारे में बताना है। और फिर कहता है इफ देयर हैज बीन नो सच वैल्यूएशन द फैक्ट शैल बी डिस्क्लोज, और अगर वैल्यूएशन नहीं है तो इस हकीकत को भी आपने बयान कर दें। द एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और रेमिटेंस ऑफ इनकम एंड प्रोसीड्स ऑफ डिस्पोजल। तो आप लोगों ने यहाँ पर डी ऑप्शन में बताना है एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रियलाइजेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब जैसे हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस होता था IAS 16 के अंदर, तो वो सारे का सारा रियलाइज नहीं हो जाता था, इसीलिए हम लोग उसको इक्विटी का पार्ट बनाते थे। तो वो बेसिकली हमारे पास PPE के ऊपर अनरियलाइज्ड गेन होते थे और वो जाके हम लोग लिख रहे होते थे। फिर उसमें से एनुअल बेसिस के ऊपर जो जो अमाउंट्स रियलाइज होती जाती थी वो रिटेन अर्निंग का पार्ट बनती थी। जहां पर भी हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में बतानी है ऐसी रिस्ट्रिक्शन ऑफ अमाउंट्स जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रियलाइज ना कर सकते हो, या अगर हम लोग उसको डिस्पोज कर दें तो उससे हमें कितनी प्रोसीड्स रिसीव हुई, और उसके ऊपर जो इनकम मतलब कोई गेन वगैरह हमें हुआ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर तो वो गेन कितनी अमाउंट का था। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू परचेज कंस्ट्रक्ट डेवलप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और फॉर रिपेयर्स मेंटेनेंस और एनहांसमेंट।
ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि अगर कमिंग ईयर्स के अंदर आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है किसी भी एंटिटी के साथ कि आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कंस्ट्रक्ट करना है, डेवलप करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह आपने करवानी है और आपने पहले से प्लान बना रखा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, चाहे वो अभी तक आपने कोई कैश का आउटफ्लो नहीं किया, चाहे अभी तक वो काम स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आप लोग डिस्क्लोज जरूर करेंगे कि हम लोगों ने ऐसा सोचा होगा। फिर आती है एन एंटिटी शैल आल्सो डिस्क्लोज द अमाउंट्स रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस फॉर रेंटल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास पर्पस रेंटल इनकम अर्न करना है तो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाएगा, लेकिन रेंट हमारे पास इनकम के तौर पर तो आना है ना, वो रेंटल इनकम हर साल हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बनती रहेगी। तो इसने कहा है कि ये वो चीजें हैं जो आपकी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में रेकग्नाइज होनी है। उनमें सबसे पहली चीज रेंटल इनकम, फिर कहते हैं डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, द जनरल रेंटल इनकम ड्यूरिंग द पीरियड एंड दैट डिड नॉट जनरेट रेंटल इनकम ड्यूरिंग द पीरियड। आप लोगों ने अपनी अगर इनकम को आप लोग शो कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, तो इससे रेलिवेंट जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे उनमें रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस भी शामिल हो सकते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस भी आपने उस साल की प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज करने हैं। ये बातें क्लियर? क्या जनरल डिस्क्लोजर्स क्लियर है सब बच्चों को? नेक्स्ट हमारे पास आती है एडिशनल डिस्क्लोजर्स, फेयर वैल्यू मॉडल ओनली। मतलब कॉस्ट के लिए ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं तो इन जर्नल डिस्क्लोजर्स के साथ साथ आप लोगों ने ये वाली डिस्क्लोजर्स भी साथ में बताने हैं। इनमें शामिल है एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज आ रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द कैरिंग अमाउंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड शोइंग द फॉलोइंग। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फिक्स एसिड्स कैजुअल का। तो वो जो फिक्स एसिड्स कैजुअल होता है ना, वो भी बेसिकली रिकॉन्सिलिएशन होती है कि हमारे पास ओपनिंग एसिड्स कितने थे, कितनी एडिशन हुई, कितने डिस्पोजल्स हुए और हमारे पास क्लोजिंग एसिड्स कितने बच गए हैं। तो यहां पर भी कहता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के दरमियान अगर कोई डिफरेंस आ जाता है तो उस डिफरेंस को आपने रिकॉन्साइल करना है। और रिकॉन्साइल कैसे होगा, जब आप उसमें बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एडिशन कितनी हुई ड्यूरिंग द ईयर, आपने इसमें से कितनी डिस्पोज कर दी, कितनी ऐसी हैं जो नेट गेन्स और लॉसेस फ्रॉम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के, फेयर वैल्यू की वजह से या तो फेयर वैल्यू अपवर्ड हो जाएगी या डाउनवर्ड, तो या तो गेन आएगा या लॉस आएगा, अमाउंट ने इंक्रीज या डिक्रीज होना है, तो आपने ये भी साथ में बताना है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे IAS 16 के अंदर आप लोग रिवैल्यू करते हैं तो रिवैल्यूएशन लॉस या रिवैल्यूएशन गेन आपके पास आता है, तो यहाँ पर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से अगर कोई लॉस और गेन आता है तो वो बताएं आप, ट्रांसफर कितना हुआ और अगर किसी किस्म की कोई अदर चेंजेस वगैरह हैं तो वो भी आप यहाँ पर बता सकें। अदर चेंजेस में क्या शामिल हो सकते हैं कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री को ट्रांसफर कर दिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, इस किस्म की सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पर लेकर आना। क्लियर है ये बात? फिर कहते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंक्लूडेड एट कॉस्ट मॉडल बिकॉज फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड इन एडिशन एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज। अब देखिए बेसिकली हमारा जो मॉडल है वो फेयर वैल्यू मॉडल है और हमारी तमाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर फेयर वैल्यू मॉडल ही अप्लाई होना चाहिए, लेकिन कहता है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मौजूद है जिसको आपने कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है और उसकी रीजन क्या है कि हम उसकी फेयर वैल्यू को डिटरमिन नहीं कर पा रहे, हमने सिर्फ इस वजह से कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है, हमारी बाकी सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अपनी फेयर वैल्यू मॉडल पर है, कोई एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जो अपनी कॉस्ट मॉडल को फॉलो कर रही है क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू को रिलायबली मेजर नहीं किया जा रहा,
तो आप लोगों ने बाकी तमाम डिस्क्लोजर के साथ साथ ये वाले डिस्क्लोज, ये वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज करनी है। उनमें एक है डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हमारे पास इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की टाइप कौन सी है। फिर आपने बताना है एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, क्वेश्चन में ये बातें बताई हुई होती है, आपने एज इट इज वो कॉपी पेस्ट करनी होती है। फिर आप कहते हैं इफ पॉसिबल द रेंज ऑफ एस्टिमेट्स विद इन विच फेयर वैल्यू इज हाईली लाइकली टू लाई, कहते हैं कि वैसे डिटरमिन नहीं हो पा रही, लेकिन अगर आपको किसी किस्म का कोई आइडिया हो जाए कि मार्केट में इसकी वैल्यू क्या हो सकती है तो आप लोग वो बता रहे, मतलब फेयर वैल्यू पर लेके जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिलायबली मेजर नहीं हो पा रहे। लेकिन अगर कोई आपके जहन में कोई एक ब्रैकेट मौजूद हो, एक रेंज मौजूद हो कि इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक किस रेंज में कहीं पर हो सकती है तो आप वो जरूर बता दें हमें। फिर द फैक्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ सच इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इट्स कैरिंग अमाउंट एंड गेन और लॉस ऑन, और जब अगर आप इसको डिस्पोज करते हैं तो आप डिस्पोजल की इंफॉर्मेशन दें, क्या गेन या लॉस हुआ वो भी साथ में बता दें। क्लियर? अगर कॉस्ट मॉडल को फॉलो करेंगे तो फिर देखें जर्नल डिस्क्लोजर और साथ में ये कॉस्ट मॉडल वाले पॉइंट्स आएंगे। फिर ये फेयर वैल्यू मॉडल को अप्लाई करते हुए जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे स्किप हो जाएंगे। अब आप लोग जर्नल डिस्क्लोजर के साथ साथ कॉस्ट मॉडल अगर अप्लाई करते हैं तो ये बातें आएंगी, सेल डिस्क्लोज डेप्रिसिएशन मेथड, फेयर वैल्यू मॉडल हो तो आपने डेप्रिशिएट नहीं करना, उसने कहीं पर जिक्र नहीं किया था, लेकिन अगर कॉस्ट मॉडल है तो आपको डेप्रिशिएट करना है तो आप यहाँ पर लेकर आएंगे डेप्रिसिएशन मेथड। फिर आप लोग यहाँ पे लेके आएंगे द यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन रेट। अब देखें फेयर वैल्यू मॉडल में उसने कहीं भी नहीं लिखा था कि आप डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, लाइफ या डेप्रिसिएशन रेट, क्योंकि उसने डेप्रिशिएट होना ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो बेसिकली ये जो थर्ड पॉइंट है ये तो जब आप उसका स्केड्यूल बनाएंगे उसी में ही कवर हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंसेस कितने थे, क्लोजिंग कितने हैं हमारे पास, ड्यूरिंग द ईयर कितनी डेप्रिसिएशन हम लोगों ने चार्ज की, और हमारे पास ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्या आ जाती है। राइट, इसी के बिल्कुल नीचे आप लोग लिख देंगे डेप्रिसिएशन मेथड और उसका यूजफुल लाइफ या डेप्रिसिएशन रेट। A reconciliation between opening and closing values showing, ये बिल्कुल वैसे ही। अब ये आपके पास investment properties schedule से पता चल जाएगा कि क्या additions हुई, depreciation कितनी charge की, disposal कितना हुआ, impairment अगर किसी किस्म की हुई है तो वो कितनी है, और transfer and other changes, कोई शुभ, और disclosure requirements complete हो गई हमारी। When the cost model is used, the fair value of investment property shall be, चाहे cost model use करें, fair value model पे ना लेकर आए, लेकिन फिर भी आपने उसकी fair value model, fair value को disclose जरूर करना है। If the fair value cannot be estimated reliably, the same additional disclosure shall be made as disclosed under ये वाले, ये last वाले चार points। अगर फेयर वैल्यू को अगर आप लोग रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे तो भी आपने ये चार पॉइंट जरूर जाकर बताने हैं कॉस्ट मॉडल में। फेयर वैल्यू का पता है, फेयर वैल्यू बता दो, नहीं पता तो रीजन बता दो कि क्यों नहीं पता। फिर हमारे पास आता है फॉर इन्वेस्टिंग प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एट कॉस्ट मॉडल बिकॉज फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, तो लाजिम बात है कॉस्ट मॉडल हमने अप्लाई इसलिए किया हुआ है कि फेयर वैल्यू को रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे, और हमने अपने तमाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पर रखा हुआ है, तो हम लोग ये लास्ट के चार पॉइंट्स ये वाले भी उसे जरूर बताएंगे। ऑल क्लियर? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का टॉपिक खत्म हो चुका है, अब सिर्फ इसकी कम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर एक को अच्छे तरीके से पढ़ें। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स को देखें, डिस्कस हाउ द अबव इश्यूज शुड बी डेल्ट इन financial statements of CL for the year ending 31st December 2020 in accordance with the requirements of, और आपके पेपर में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए मत सोच के बैठिएगा,
8 मार्क्स, 6 मार्क्स, 5 मार्क्स, इस किस्म के ऐसे क्वेश्चन क्या से डिस्कस करवाएगा कि आप इस ये इशू है और इस इशू को ना डिस्कस कर रहे हैं। अब आप लोग तसल्ली से इस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना है कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, और उसके बारे में सिर्फ अपने माइंड में एक स्केच सा आइडिया लेकर आओ कि मैं जे ये किस किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, स्केच सा आइडिया लेकर आए, फिर हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। शाबाश, पढ़ें। से बेटा अब जब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस करना हो ना, आपने ऐसे क्वेश्चंस को अपनी बुक में से बहुत अच्छे तरीके से पहले रीड करना है, उसके बाद खुद से सोचना है कि मेरे जहन में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, फिर इसके सोल्यूशन को जाके पढ़ना है। फिर वहां से ना हमें सीखने को मिलता है कि मैं क्या सोच रहा था और बेसिकली मैंने इसको किस तरह से रिप्रोड्यूस करके देना था, तब जाके आपको मार्क्स मिलते हैं। वरना आप लोगों ने जिस तरह से मुझे बताया है ना, इसका कोई मार्क्स नहीं है, और यही चीज अगर आप लोग एग्जाम में लेकर आ जाओ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आपको के पास राइटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए कि मैंने अपनी बात को बताना किस तरह से है, क्योंकि एग्जामिनर आपके दिल को नहीं देखेगा और उसने आपकी जुबान को भी नहीं देखा, उन्हें सिर्फ आपके पेपर को देखना है कि पेपर पे क्या कुछ लिखा होगा। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन को पहले कहते हैं, यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ सीएल while reviewing the draft financial statements for the year ending 31st December 2020. अच्छा, सबसे पहली बात, इंसान जैसे ही आई कैम में बैठे हुए ये चीजें पढ़ता है ना, पहले तो उधर ही खो जाता है ना कि भाई बड़ा सा एक ऑफिस है, फाइनेंस मैनेजर साहब आके बैठे हुए हैं और मौज कर रहे हैं आदि भाई, और फिर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। इसके बाद prepared by the junior accountant, you have noted that CL, अब यहां से ना बात शुरू हो गया, कहते CL acquired a 3-story building, building एक है लेकिन उसकी स्टोरी 3, इस तरह से कहते on 1st March 2020, अब जो भी recognition करनी है इस डेट को करनी है 1st March को, फिर कहते हैं CL uses the ground floor for its marketing department and while remaining two floors were in excess of CL's need. अब देखें ग्राउंड फ्लोर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है हमारे पास, तो ये फॉर यूजेज है, तो इसको हमारे पास बन जाना चाहिए पीपीई का पार्ट। बाकी दोनों फ्लोर्स के लिए पर्पस आइडेंटिफाई नहीं है 1st मार्च वाले दिन, और ये इन एक्सेस है हमारे पास, therefore were, और बाद में कहते हैं rented out है। अब rented out हो जाए तो कभी भी PPE का part, तो ये reason है कि हमने first and second floor को investment property में लेके जाना है, क्योंकि वो हम लोगों ने rent out कर दिया। जरूरी नहीं कि मैंने आज decide किया कि मैंने इसे rental income earn करनी है तो आज से ही rental income आए, ये बात जरूरी नहीं है। रेंटल इनकम तब से ही आनी है जब टेनेंट्स आएंगे, तो हमारे पास फर्स्ट फ्लोर की इनकम जनरेट हुई और सेकंड फ्लोर की इनकम जनरेट हुई, इस बात से कोई गलत नहीं कि इनकम कब से जनरेट हो रही है, लेकिन जितनी इनकम जनरेट होगी वो इस साल के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज करूंगा। क्लियर, अभी हम लोग पढ़ के आए थे ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को क्या चीज जाती रहती है, तो जितनी इनकम हम लोग जनरेट करेंगे वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को जाएगी। अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड द बिल्डिंग एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये उसने गलत किया। अब आपने और यहां पर देखें, आपसे कहा गया था कि अगर एक ही एसेट हो और उसके पास डिस्टिंग्विशेबल हो तो आप उसको डिस्टिंग्विश कर लिया करें, और अगर डिस्टिंग्विशेबल ना हो तो आपने उसके सब्सटेंशियल यूजेज को देखना है, उसके मुताबिक जाके डिसाइड करना है आप लोगों ने। अब देखें प्रॉपर्टी प्लान में डेप्रिसिएशन ऑन ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर हैज बीन कंप्यूटेड फ्रॉम 1st मार्च 1st जून एंड, ये बात भी गलत है कि ये डेप्रिसिएशन इस तरह से नहीं चार्ज होनी चाहिए थी, अगर ये सारा भी पीपीई होता तो भी 1st मार्च से, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी साथ में होता और कॉस्ट मॉडल होता तब भी 1st मार्च से डेप्रिशिएट होना था, लेकिन अब उसने क्या कहा यहाँ पे, अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ सीएल इज टू कैरी लैंड एंड बिल्डिंग एट
तो भाई ग्राउंड फ्लोर ने डेप्रिशिएट हो जाना है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर डेप्रिशिएट नहीं होगा व्हेन एवर परमिटेड बाय आईएफआरएस। अब जरा इसके सोल्यूशन को देखें, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब देखिए, आपने कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कुछ नहीं करके देनी, सिर्फ उसे बताना है क्या गलत है क्या ठीक है, कोई गलत है तो उसको ठीक कैसे कर, इसने कहाँ कहाँ पर जाके ट्रीट होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट्स टू रिकॉर्ड कंप्लीट बिल्डिंग अंडर पीपीई हेड इज इनकरेक्ट। इतनी बात बता दोगे, अब क्या करना है, अब उसको बताओ कि बेसिकली करना क्या था। पहले उसे उसकी गलती आइडेंटिफाई करवाई, भाई ये तुमने गलत किया। करना क्या था, टू फ्लोर्स व्हिच हैव बीन लीज्ड और रेंटेड आउट सेपरेटली शुड बी अकाउंटेड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और साथ में लिख सकते हो ग्राउंड व्हाइल ग्राउंड फ्लोर यूज्ड बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट शुड बी रिकॉर्डेड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अंडर आई 16 डेप्रिसिएशन ओवर डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स कौन ग्राउंड। ऊपर वालों के बारे में कोई बात नहीं की। एज पर सीएच पॉलिसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड बी रिकॉर्डेड एट एंड चेंजेस इन फेयर वैल्यू शुड बी टेकन इन टू स्टेटमेंट ऑफ। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई कर रहे हैं, चाहे फेयर वैल्यू गेन हो या लॉस हो, जिस साल गेन या लॉस हुआ वो हमेशा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज कर देना है। एनी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज ऑन दिस फ्लोर शुड बी, इतनी सी बात है। आपने बहुत लंबी स्टोरी भी नहीं लिख देनी और इतनी शॉर्ट भी नहीं लिख देनी कि चीजें उम्मीद हो जाए। अब देखें सिंपल सी बात है, इसमें सबसे पहले से बताओ कि भाई ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं है, आप ग्राउंड फ्लोर को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रखो और फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर लेकर आओ, और ग्राउंड फ्लोर को अकॉर्डिंग टू IAS 16 आप डेप्रिशिएट करो। फिर उसे बताओ कि भाई तुमने डेप्रिसिएशन गलत चार्ज किया है क्योंकि तुम्हारी पॉलिसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे फेयर वैल्यू मॉडल पर है, फेयर वैल्यू के ऊपर अगर कोई गेन या लॉस आता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाओ, फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर के ऊपर अगर तुमने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज की है उसका रिवर्सल रिकॉर्ड करो। डन, हो जाएगा हो जाएगा। यस अच्छा नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, कहता है बोथ IAS 16 पीपी एंड 14 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डील्स विद द टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स ऑफ एन एंटिटी। ये बात उसकी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, दोनों ही हमारे पास नॉन करंट एसेट्स हैं और टेंजिबल्स हैं। कहता है डिस्कस एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन IAS 16 एंड 14। इसका सोल्यूशन ना पढ़ो लेकिन अपने जहन में ना जरा सोचो कि 16 और 40 में 4 डिफरेंसेस कौन कौन से आ रहे हैं, अपने पास जरा रिकॉर्ड करो। 4 डिफरेंसेस मतलब बस वैसे पूरी पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिमिलैरिटीज नहीं देखनी, डिफरेंसेस दोनों के जरा रिकॉर्ड करें। अब इन 4 पॉइंट्स में अगर आप लोग देखें, आप लोगों ने काफी सारे पॉइंट्स मुझे बता दिए, हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिए, लेकिन अब अगर यहाँ पर इनके पॉइंट्स देखें, अब ये वो है प्रॉपर वे। जब भी आप लोग आपसे कहा जाए ना कि भाई आपने डिफरेंसेस बतानी है सिमिलैरिटीज बतानी है, हमेशा कॉलम फॉर्म में चले जाया करो और लेफ्ट राइट कॉलम्स की सूरत में उसे पॉइंट बताओ, इधर होता है इधर नहीं होता, यहाँ पर ये चीज है यहाँ पर ये चीज नहीं है, बस ये चीजें बता देते। 4 पॉइंट्स पूछ रहा है ना तो आपने 5 से ज्यादा नहीं बताना, वैसे तो 4 और बिल्कुल प्रॉपर पॉइंट, कहीं पर डाउट है 5th पॉइंट लिखो, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं बता दे। अब यहां पर देखें, वैसे कोशिश क्या करें आई कैप के एग्जाम में जितने पॉइंट वो कह रहा है बिल्कुल उतने पॉइंट, ना कम ना ज्यादा। अब यहां पर देखें सबसे पहला IAS 16 एप्लीकेबल टू टेंजिबल एसेट्स हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस इंक्लूडिंग ऑनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब देखो सबसे पहले डेफिनेशन का ही डिफरेंस होता रहता है, तो डिफरेंसेस में सबसे पहले डेफिनेशन आगे लिखा करो, उसके बाद देखो एप्लीकेबल टू प्रॉपर्टी हेल्ड टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन, पता चल गया है कि यार ये 16 है और ये 40 है। फिर देखो अलाउज कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट्स, और यहाँ पे अलाउज कॉस्ट और फेयर वैल्यू मॉडल फॉर, दोनों की बेटा इनिशियल मेजरमेंट सेम है, बताने की जरूरत नहीं थी।
उसे बताओ कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट्स के लिए ये है। फिर कहते हैं चेंजेस इन फेयर वैल्यू और टेकन टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड और प्रॉफिट और लॉस। और यहां पे क्या कहता है, चेंजेस इन फेयर वैल्यू और टेकन टू प्रॉफिट और लॉस, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नहीं जा रहा। फिर एसेट्स अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल आर, जबकि एसेट्स अंडर फेयर वैल्यू मॉडल आर नॉट एप्रिशिएटेड। अब कोई मसला, क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देखें एग्जांपल नंबर 10 आपके पास। जी आईएसपीटी में हम एक बिल्डिंग या कपल इसको होली और पार्सली की पेंट कर सकते हैं। हाँ आई क्या दोबारा आईएसपीटी में जैसे भी हमने बिल्डिंग को डिवाइड कर, जी हाँ कर सकते हैं और आईएसपी में जो होली नहीं कर सकते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, IS-14 में जो होली और पार्सली डिवाइड कर रहे हो किस चीज में कर रहे हो? डिवाइड IS-14 को किस चीज में कर रहे हो? अच्छा एग्जाम्पल नंबर 10, अब इसकी रिक्वायरमेंट्स देखें। प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम डीएल्स फाइनेंशियल डीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2019 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दैट डेट शो कंपैरेटिव फिगर। अब हमारे जो क्वेश्चन का स्टार्ट होना है वो बेसिकली 1st January 2018 से होता है, ओके? और ये आप लोगों ने लेफ्ट राइट लिखने हैं 18, 19 और तमाम डाटा। अब देखो पहले कहते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या चीज जाएगी वो बताओ, साथ में कहता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बताना, मतलब रिवैल्यूएशन सरप्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है और वहां पे टोटल लिखा जाता है। फिर वहां से जब ये इक्विटी का पार्ट बनता है, इक्विटी को ये थोड़ी थोड़ी अमाउंट देता रहता है। नेक्स्ट आपसे कहता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बतानी है और ऐसे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में काफी सारे नजर आएंगे। अब देखें यहां पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले एक मरतबा ना कंप्लीट क्वेश्चन सिर्फ रीड करना उसके बाद सोल्यूशन की तरफ जाऊं। अब देखें यहां कहते हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू नॉन करंट एसेट्स ऑफ डीएल, डीएल परचेज्ड स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स फॉर ₹370 मिलियन ऑन 1st July 2017। हमारा अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? 31st December। अब देखिए भाई 17 के बारे में मैंने कुछ नहीं बताना था, मैंने 18 एंड 19 के बारे में बताना है। अब यहां तक वैसे अगर मैं सोचूं कहीं पे पता चला कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, लेकिन जहां तक ये पता चल गया कि नॉन करंट एसेट्स है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, और यहां से ये भी पता चल गया कि जहां से मैंने क्वेश्चन का स्टार लेना है ना वहां पे कॉस्ट तो 370 होगी लेकिन याद है साल के लिए डेप्रिशिएट भी हो चुका अगर रिवैल्यू ना हुआ हो तो, राइट? अब देखो क्या कहते हैं, द व्हीकल्स हैव एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ विद रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ₹30 मिलियन। अब 2018 का अगर मैं स्टार्ट करूं, 2018 का कॉस्ट तो रहेगी 370 लेकिन ओपनिंग एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आएगी, और वो कैसे, 370 माइनस 30 ये 340 डिवाइडेड बाय 10 34 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12 17 की डेप्रिसिएशन मौजूद। क्या आपको ये बात समझ आ गई? तो ओपनिंग डेप्रिसिएशन भी 17 की आपके पास मौजूद हो। फिर क्या कहता है, और ये वो बातें हैं जो आपने जिस तरह से अब ये मैंने माइंड में कैलकुलेशन किया है ना आपने वैसी कर दी है, आपने कुछ भी अभी अपने पेज पे नहीं लिखना क्योंकि क्वेश्चन में ट्विस्ट आने में देर नहीं लगती, तो इसलिए उस ट्विस्ट का इंतजार करते हैं। पता चले आपने सब कुछ पेपर पे लिख दिया, ट्विस्ट आया और फिर सब पे कैंसिल करना पड़ गया, ऐसा नहीं करना। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेट या अपने जहन में सोचते जाना है। फिर देखें कहते हैं द रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ द व्हीकल ऑन 31st December 2000। अब यहाँ पे तसल्ली हो गई कि यार 2017 में रिवैल्यू नहीं हुआ, ओपनिंग मैंने बिल्कुल ठीक लिखा हो गया,
फिर क्या हुआ 2018 एंड 19 दोनों में रिवैल्यू हो गया, वॉज डिटरमिन्ड एट रुपीज 302 एंड 290 मिलियन रिस्पेक्टिवली, देयर वर नो चेंजेस यूजफुल लाइफ और। लेकिन अगर आप लोग गौर से देखें 2018, मैं ये नहीं कहूंगा कि दो साल गुजर चुके हैं, डेढ़ साल गुजर है, साढ़े आठ साल के लिए आना है उसके उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, और जब यहाँ पे पहुंचेंगे 2019 में साढ़े सात साल आएंगे। ओके, सात साल नहीं आएंगे, क्लियर। DL settles manufacturing plant in a remote area at a cost of rupees 280 million. अब vehicles की बात वहां पे खत्म हो चुकी है। अब यहां पर क्या चीज आ गई हमारे पास, second asset plant, और ये कब है, 280 million का है। The plant had useful life of 8 years. The plant was purchased on 1st January 2018. Opening कुछ नहीं है, 2018 की additions है, चाहे ये 1st जनवरी को ही क्यों नहीं है, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन में ना लिख देना, एडिशन के तौर पर आएगा ये, इस बात का हमेशा ख्याल रखना। फिर एंड वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन, और डेप्रिशिएट होगा 1st अप्रैल से। द कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड ऑन, हमें कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से, हमारी डेप्रिशिएशन 1st अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है। ऑन 1st जुलाई 2018 एक्वायर कब किया था, 1st जनवरी 2018 और 1st जुलाई 2018, मतलब राइट आफ्टर 6 मंथ्स क्या हुआ, DL रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ रुपीस, पढ़ चुके हैं गवर्नमेंट ग्रांट, सॉल्व हो सकता है आज ये, 120 मिलियन की गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव किए मिलियन टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ द प्लांट। द सेंक्शन लेटर स्टेट्स दैट इफ DL सीजेस टू यूज द प्लांट इन रिमोट एरियाज बिफोर 31 दिसंबर 2021, अब ये रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई हो गई है, तो फिर वुड बी रिक्वायर्ड टू रीपे द ग्रांट इन फोर। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, अब मुझे ये उसने नहीं बताई अपनी इंटेंशन कि भाई मेरी इंटेंशन यहाँ तक है काम करने की या सीज करने की है क्या है, और अभी तक ये भी नहीं बताया गवर्नमेंट ग्रांट को ट्रेड कैसे करना है, तो आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन आगे पढ़ते जाने, उससे सब कुछ आपको बता देते हैं, लेकिन कुछ पॉज लेगा आपको। फिर कहते हैं भाई मेरे पास एक वेयर हाउस मौजूद है, वाज गिवन ऑन रेंट ऑन 1st जनवरी 2018, प्रीवियसली द वेयर हाउस वाज इन यूज ऑफ, क्या हुआ, ट्रांसफर कर दो 1st जनवरी 2018 PPE से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब क्या कहते हैं, ऑन 1st जनवरी कैरिंग वैल्यू एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द वेयर हाउस वाज, एंड अच्छा ये तो कैरिंग अमाउंट है और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, फेयर वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस ऑन वेरियस डेट आर एज फॉलोस, 1st जनवरी 2018 जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन फेयर वैल्यू क्या थी, फिर हर साल हम लोगों ने उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे रखा 96 एंड 115। अब यहां से मुझे पता चल गया, और ये सारी फेयर वैल्यूज हैं इसकी, यहां से मुझे पता चल गया कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर आई एस 16 से हम लोग लेकर ट्रांसफर करें आई एस 40 में, तो फिर देखना होता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर मॉडल कौन सा यूज हो रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर, ये बातें वो हैं जो आपने अपने माइंड में उस टाइम पे रिकॉल करनी है, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर कॉस्ट मॉडल है तो फिर IAS 16 में जो आपके पास कैरिंग अमाउंट होती है वही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट बन जाती है, लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो आप पहले अपने IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर लेकर जाओगे, इसके गेन और लॉस को ऐसे ही ट्रीट करोगे जैसे IAS 16 ने तुम्हें बताया हुआ है, राइट। उसके बाद उसकी जो फेयर वैल्यू हो गया है द डेट ऑफ ट्रांसफर, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए उसकी कॉस्ट बन जानी है। अब कैरिंग अमाउंट 80 थी, क्लियर, लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल अमाउंट 24 की एडिशन आनी, बेसिकली 24 का रिवैल्यूएशन सरप्लस आना है और वो आई 16 ने ट्रीट करना है, आई 16 के मुताबिक रहेगा, मतलब आपने इस 24 को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं बना देना, ये फेयर वैल्यू गेन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं है, ये IAS 16 के ऊपर है,
तो रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पर रखेगा। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अभी हमने देखना है कि इनके ऊपर हमारे मॉडल कौन से, अभी तक हमें इस चीज का आइडिया नहीं। नेक्स्ट एक अदर इंफॉर्मेशन, डीएल यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्सेप्ट फॉर स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स फॉर व्हिच रिवैल्यूएशन मॉडल इज यूज्ड। नेक्स्ट, डीएल ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ऑन एंड। अब ये बात उसने किसके लिए की है, व्हीकल्स के, सिर्फ क्योंकि इसी के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल है, बाकियों के ऊपर तो कॉस्ट मॉडल है। ये इस बात का ताल्लुक सिर्फ इससे है, गवर्नमेंट ग्रांट इज रिकॉर्डेड एज डेफर्ड इनकम एंड अ पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसफर टू इनकम ईच ईयर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज कैरीड एट फेयर वैल्यू। अब आप ये देखें कि भाई आपके पास टोटल एसेट्स हैं कितने, 3 व्हीकल्स प्लांट एंड वेयर हाउस, और इनमें से देखें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए कौन से और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए कौन से हैं। व्हीकल्स पीपीई का पार्ट है, प्लांट की अगर बात करें पीपीई का पार्ट है, वेयर हाउस की अगर बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ओके, अच्छा ऐसा हो सकता है ये दोनों ना बिल्कुल सेम सेम नेचर के आते हैं कि आप इनका एक ही स्केड्यूल बना लिया करें, लेकिन बस ऊपर हेडिंग में बता दें कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्लियर। लेकिन जहां पर हमें फिक्स एसेट स्केड्यूल बनाने की जरूरत नहीं थी, हमने तो सिर्फ यहाँ पर क्या बताना है, उसे डिस्क्लोज करनी है अपनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट्स बना के देनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। अब सबसे पहले चलते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देखें कंपनी नेम लिखा करें, उसके बाद बताएं कि भाई क्या बनाने लगे हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2000, यहां पर हमेशा करंट ईयर लिखा करें, कंपैरेटिव बता भी रहे हो तो यहां पे 18 एंड 19 ना लिखना, 19 ही लिखो और 18 बस यहां पे आके लिख दो। उसके बाद आप यहां पे गए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2000, और यहां पर अपने कंपैरेटिव बता दें। ये बात क्लियर हो गई, ये दो डिफरेंट पेजेस के ऊपर आप लोगों ने ये सब कुछ करना है। इसके बाद आए इन तीनों में से, भाई जरूरी नहीं कि आप व्हीकल्स ही पहले लिखें, जो चीज इजी लग रही है आप वो लिखें। अब आप अगर जा रहे हैं सपोज बैलेंस शीट के ऊपर नॉन करंट एसेट्स, अब वहां पर अपने ये सारे एसेट लिखें, तीनों प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसमें व्हीकल्स एंड प्लांट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हमारे पास शामिल है हमारा वेयर हाउस, वो लिखें एज इट इज, दो डिफरेंट हेडिंग, ताकि पता चले हैं तो दोनों ही बैलेंस शीट आइटम नॉन करंट एसेट, लेकिन आई 16 को अलग से आई 40 को अलग से बताओ। अब अगर हम लोग बात करें आई 16, मुझे बताओ तीनों में से सबसे ज्यादा इजी कौन सा है जिसको इजीली ट्रीट किया जा सकता है, व्हीकल सबसे ज्यादा इजी, सिंपल सा था यार, कुछ भी नहीं था, व्हीकल ओपनिंग जाके लिखा, ओपनिंग हमारे पास कितना है ये देखो, मैंने यहां पर उसे क्या बताना था 31 दिसंबर 2018 एंड 31 दिसंबर 2019, मेरे पास व्हीकल्स की क्या, मैंने व्हीकल्स के बारे में देखा, व्हीकल्स के सारी इंफॉर्मेशन इधर, टोटल मेरे पास कितने का था ये व्हीकल्स, ये मैंने वर्किंग की छोटी सी, उसके बाद ये डेप्रिशिएट हो गया, ये आई होप के 17 आपको समझ आ चुका होगा, 370 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 6.1, 17 से डेप्रिशिएट हुआ, वैल्यू हमारे पास आ गई 353, कब, हाँ 2017, और ये मैंने नहीं बताया, क्लियर। अच्छा क्या इस दिन रिवैल्यू हुआ, नहीं बिल्कुल नहीं, और यहां पर बेटा अगर लाइफ बता दिया तो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है,
अगले साल 34 के साथ अप्रिशिएट हो जाना है इसमें। क्या ये बात क्लियर हो गई है? अच्छा अब देखो ये कितने से बाकी रह जाएगा, 31। यहीं पर अब देखें ये 18 के लिए काम कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में 34 चला जाएगा। 2018 प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन व्हीकल्स ये 34 चला जाएगा फॉरन जा के लिए। और ये डेप्रिसिएशन के लिए जरूरी नहीं है आप एक ही एड में सारी डेप्रिसिएशन लिखें, आप भाई अलग अलग करके लिखना डेप्रिसिएशन व्हीकल्स 34। जितनी ज्यादा अमाउंट लिखेंगे ना उतने ज्यादा मार्क्स देता जाएगा, मर्ज करके ना लिख देना क्योंकि अगर गलत हो गया तो उसने सारी गलत कर देनी। तो डेप्रिसिएशन व्हीकल्स प्लांट वेयर हाउस नहीं लिखेंगे क्योंकि वो फेयर वैल्यू मॉडल था, राइट? ये बात समझ आ गई? अच्छा फिर चले गए, हमें पता चला यार इस दिन तो ये हमारे पास रीवैल्यू हो रहा है, और रीवैल्यू होकर ये कौन सी वैल्यू पर आ गया हमारे पास, और ये 917 से लॉस आ गया। लॉस में तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज किया जाता है, ऐसा ही है ना, फौरन जाके इसको लिख देना ये 17। ये लो रिवैल्यूएशन लॉस ऑन व्हीकल्स, ये जाके आपने लिख दिया, ये कोई इशू। अब एक और मजे की बात, अब देखिए यार व्हीकल्स आपकी कब कब रिवैल्यू हो रही है, 2018 एंड बिल्कुल एंड पर बैलेंस शीट में भाई यही वैल्यू जाएगी जो रिवैल्यूड अमाउंट्स हैं। ये तो आंखें बंद करके जाके फौरन जाके लिख देनी थी बैलेंस शीट के अंदर 302 एंड 290। ये देखो सिर्फ मार्क्स गेन करते जाना है उससे, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा अब देखें क्या इशू रह गया हमारे पास, या 2019 के लिए मैंने देख लेना है डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी, 302 माइनस 30, ये रेजिडुअल वैल्यू सेम रहेगी लेकिन डिवाइडेड बाय 8.5, तो डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 32 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। वैल्यू हमारे पास 270। अब ये 32 आपने डेप्रिसिएशन के तौर पे फौरन लिख देना है, और हमने आपसे कहा था कि यहां पर आपके पास ये 17 था। अब देखें पहले डेप्रिसिएशन कितनी थी, अब कितनी है, तो 2 का जो डिफरेंस है वो यहां से चार्ज होगा और बाकी लॉस कितना बच जाएगा, लेकिन इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, सिर्फ ये वर्किंग का पार्ट बनता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये बात समझ आ गई ये सब बच्चों को? अब डेप्रिसिएशन जाके चार्ज कर देंगे 32, क्लियर? ये देखें कौन सी ईयर में, 2019 32 डेप्रिसिएशन, राइट? अच्छा अब इस दिन फिर से रिवैल्यू हो गया, तो देखो रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है, कितने का इंक्रीज, 15 ये कैंसल और 5 अदर कॉम्प्रिहेंसिव रिवैल्यूएशन सरेंडर। ये बात क्लियर? अब देखें डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, अब आपने यहाँ पे जाना था भैया, आपने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बतानी थी उसे, ये है आपकी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कौन से साल में आया ये गेन, 19 में। बेटा यहाँ पे 20 ना लिख देना क्योंकि अब रिवैल्यूएशन सरप्लस सिर्फ आपका 5 का है, 5 जा गया लेकर। और व्हीकल्स की ये जो मैंने वर्किंग बनाई है ये आपकी वर्किंग 1 है, जहां जहां व्हीकल्स आ रहा था वर्किंग 1 का रेफरेंस लेते हैं, ओके हो गया, और आपको व्हीकल से रेलिवेंट फुल मार्क्स मिल चुके हैं, कुछ भी नहीं रहता, कैसा नहीं है, अच्छे खासे मार्क्स गेन कर लेते हो, राइट? अच्छा अब आपके पास रह गए प्लांट एंड वेयर हाउस, भाई जो चीज ज्यादा इजी लगे उसको जाके पहले सॉल्व कर, और ये पॉइंट ऑफ व्यू हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, किसी के लिए प्लांट इजी हो सकता है, किसी के लिए वेयर हाउस इजी हो सकता है,
प्लांट पे चलते हैं। कितने का एक्वायर किया? 280 से। अब सबसे मजे की बात पता है इसमें क्या है? उसे कहता है डेफर्ड इनकम जाके रिकॉर्ड कर। भाई अगर वो कह देता ना कि भाई आपने डिडक्ट करना है, तब थोड़ा सा मसला बन सकता था। डेफर्ड इनकम में कोई मसला नहीं है, इजिली जाके रिकॉर्ड कर सकते। अब यहाँ पे देखें भाई, प्लांट हम लोगों ने कब एक्वायर किया? अवेलेबल फॉर यूज 1 अप्रैल को। अब कितने का? 280 का। अब 280 का प्लांट मौजूद है और इसने डेप्रिशिएट होना है 1 अप्रैल से। डेप्रिशिएट हो जाना है इसकी यूजफुल लाइफ 8 ईयर्स। इसके क्या इसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू उसने बताई? अच्छा, प्लांट के बारे में कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन? उसने क्या कहा था कौन सा मॉडल यूज करना है इसके ऊपर? कॉस्ट मॉडल है, क्योंकि उसने कहा था सिर्फ व्हीकल के ऊपर है जो मैं रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज कॉस्ट मॉडल है सबके ऊपर। अब भाई क्या करेंगे हम लोग, 280 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1 अप्रैल है 9/12। ओके, तो देखो डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, क्या 26.25 ये तो लिख दी। ओके, तो भाई करो WDV उसकी फाइल, क्योंकि ग्रांट को तो बिल्कुल सेपरेट जाके रिकॉर्ड करना है। 280 में से ये डेप्रिसिएशन माइनस करो, ये रही। अगले साल फिर डेप्रिशिएट कर दो 280 डिवाइडेड बाय 8। देखो कितनी डेप्रिसिएशन आ रही है, 35 ये रहा। अभी देखो मैंने ग्रांट को कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो बिल्कुल सेपरेट ट्रीट करनी थी, तो एसेट को तो उसके मुताबिक लेके चलो ना। अब देखो ये डेप्रिसिएशन माइनस करो तो WDV कितनी आ जाती है आपके पास? क्या मिलेगी डेप्रिसिएशन माइनस करनी है? 218.75। हमेशा एग्जामिनर से मार्क्स गेन करो, जहां पे खुद को कंफ्यूज कर लोगे ना सारे क्वेश्चन की ऐसे की तैसी होता है। तुम लोग एक ही पॉइंट पे बैठ के मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम सोच रहे होते हो, ऐसा नहीं कर। उसे ये देखना है मार्क्स 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 मार्क्स, मैंने क्या प्लांट में कुछ किया, सिंपल सी वर्किंग थी। अब ग्रांट हमेशा सीक्वेंस के साथ चला। अब ग्रांट इनकम ले लो, ग्रांट इनकम ने थोड़ा सा आपको टफ टाइम दे देना है। क्यों क्यों? क्योंकि जब एक्सट्रैक्ट बताने हैं तो करंट पोर्शन अलग करना है और नॉन करंट पोर्शन अलग करना है। ओके, और ग्रांट इनकम अलग से जाकर रिकॉर्ड करनी है। अब टोटल देखें ग्रांट इनकम मेरे पास कितनी थी, 120 ग्रांट इनकम 120। भाई इसने भी तो एसिड्स के मुताबिक ही चलना है ना, एसिड्स की लाइफ तक ही चलना है। चाहे अब मैंने इसको रिसीव कर लिया 1 जुलाई से, अब देखें 120 की ग्रांट इनकम, अब इसको भी बिल्कुल एसिड के मुताबिक ट्रीट करेंगे। तो इस साल हम लोग कितनी इनकम जाकर बनाए, ग्रांट इनकम प्लांट कैसे फाइंड किया? 120 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 9/12 ना कर दें, क्लियर, वरना आपका एसिड खत्म हो जाएगा, ग्रांट अभी भी पड़ी हुई होगी एसिड के मुताबिक। चाहे ग्रांट बाद में ही आदिल भाई क्यों नहीं रिसीव की, लेकिन एसिड अगर 9 मंथ्स के लिए डेप्रिशिएट हुआ है ग्रांट ने वैसे चल, और एसिड की लाइफ के मुताबिक ही जाकर उसने खत्म। तो यहां पर अक्सर बच्चों ने यह मिस्टेक की थी 6/12। तो फिर आपको नहीं लगता जैसे एसिड 3 महीने पहले खत्म हो जाएगा, ग्रांट अभी 3 माह की बड़ी हुई होगी, जबकि दोनों को एक साथ जाके खत्म होना चाहिए, इसीलिए इसको वैसे ही ट्रीट कर। अब आपके पास ग्रांट इनकम इस साल कितनी ग्रांट इनकम बन गई, ये रही 11.25। अब खुद सोचो यार अगले साल कितनी बन जाएगी, 120 डिवाइडेड बाय 8 पूरा साल है, ये 15 फौरन आके लिखो। अच्छा, अब जाओ बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में सोचो
यार करंट पोर्शन ये जो अगले साल आप लोगों ने बनाई है इसके बाद तो हर साल यही अमाउंट जाएगी, ये करंट पोर्शन है 18 के लिए भी और 19 के लिए, ये जाके पहले लिखना, ये बात भी समझ आ गई ये सब बच्चों को। अब बात आती है नॉन करंट पोर्शन की। अब आपने देखना है टोटल 120 था, उसमें से करंट पोर्शन 15 और जो इस साल मैंने ट्रांसफर की 11 पॉइंट होगा वो माइनस कर दो, बाकी अमाउंट कितनी बच जाती है इसमें से 15 माइनस कर दो 78। टोटल 120 थी ना ग्रांट, उसमें से 11.25 हमने इस साल की इनकम बना दी, ये कोई इशू है? अब बाकी तुम्हारे पास कितनी बच गई, 120 माइनस 11.25 करो ना 108.75, तुम्हारे पास ग्रांट इतनी बची हुई है कब 31 दिसंबर 2018 को, इसमें से अगले साल तुमने कितनी ट्रांसफर करनी है, कितनी ट्रांसफर करनी है वो 15। अब देखो बेसिकली तुम्हारी इनकम इतनी है जो आ रही है 108.75, लेकिन उसमें से 15 करंट पोर्शन और 93.75 नॉन करंट पोर्शन। ओके कोई शो प्लान कंप्लीट हो चुका है, अब वेयर हाउस की तरफ जाना, अब वेयर हाउस की तरफ चले। अब वेयर हाउस को अगर आप लोग देखें ना, ये देखें भाई फेयर वैल्यू मॉडल है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड है यार, यही अमाउंट जाके लिखो, अपनी बैलेंस शीट तो कंप्लीट करो ना, ये चले जाएंगे 96 एंड 115। क्लियर? अच्छा अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखें जरा, यहां से तो कैरिंग अमाउंट चाहिए कितनी, अब डेप्रिशिएट तो इसने होना ही नहीं है, ओके हो गया। कैरिंग अमाउंट कितनी थी, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी थी 104। अब क्या करें, ये देखो रीवैल्यूएशन सरप्लस, और ये किस में आएगा हमारे पास, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में इक्विटी का भी पार्ट बनते हैं ये, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में तो जाएंगे ही, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी का पार्ट भी बनेंगे। अब ये 24 का 24 ही रहेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट नहीं हो रही। क्लियर? और ये 5 आपके व्हीकल्स के ऊपर जो आया था ये 2019 के एंड पे ही आया था, एज इट इज ये रख दिया हम लोगों ने। अब अदर कंप्रिहेंसिव इनकम को देखें भाई, 2018 में 24 आ गया था, 2019 में दोबारा ना लिख देता, जिस साल वो रिवैल्यूएशन सरप्लस आया उस साल अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में, अब यहां से ये इक्विटी का पार्ट बन गया है। ओके ओके अब यहां पे लिखने की जरूरत नहीं। तो देखो भाई आपके पास चाहे आपका प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल पे है या रीवैल्यूड अमाउंट पर है, जैसे ही आप लोगों ने ये देखा कि फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे, तो आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर होगी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट बन जानी है, और कोई भी डिफरेंस आएगा वो अकॉर्डिंग टू IAS 16 ट्रीट हो जाना है। राइट? क्लियर है ये बात? अच्छा अब यहां पे देखें नेक्स्ट, मेरे पास 104 पे है और पहुंच गया 8 का लॉस हो गया, कब 2018 में जाके 8 का लॉस रिकॉर्ड करो, ये लो। नेक्स्ट देखें 96 से 115, 19 का गेन हो गया तो भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाकर 19 का गेन रिकॉर्ड करता। हाँ जी, ये आपके पास थे एक्सट्रैक्ट्स, प्रॉफिट और लॉस, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो सर।
ये 15 की आपको समझ आ गए, जो नेक्स्ट डे पे हम लोगों ने कहा कि रिवैल्यूएशन गेन वगैरह, ये बातें क्लियर, बैलेंस शीट क्लियर हो गई। अब आप लोगों ने एग्जांपल नंबर 9 सॉरी 11 ये आप लोगों ने सॉल्व करके रखा है, ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है, और साथ में आप लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व करके लाना है। एग्जाम्पल नंबर 11 अच्छे से सॉल्व करनी है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के सारे एमसीक्यू सॉल्व करके लाने हैं, और कल इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।